गाइस कैसे हो आप सभी लोग। आप सबका स्वागत है एक और बार हमारे सुपर मार्केट सिम्युलेटर में। आज गाइस यार हमें बहुत सारी चीजें करनी है, पर आज मैं बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका हूँ। ऑलरेडी 6 बजने वाली है शाम की। हमारा सुपर मार्केट आज सुबह नहीं खुल पाया, सीधा शाम में खुलेगा। तो आपको याद है पिछले वाले एपिसोड में हमने सारा का सारा अपना सामान भर दिया था, सारी शेल्फ भर दी थी और हमारी बड़ी सी एक फ्रिज भी आ चुकी थी। इस फ्रिज को भरना भी बाकी है और ये वाली छोटी वाली फ्रिज लगभग पूरी की पूरी भरी हुई है। हमारे पास कुछ भी सामान नहीं बचा, सबसे पहले लाइट, क्योंकि अंधेरा बाहर हो चुका है और अपने स्टोर को हमने खोल दिया है। हमारा स्टोर लेवल है 8 और आज हम कैसे भी करके अपने स्टोर लेवल को 10 तक लेके जाएंगे। हमें अपने सुपरमार्केट को बड़ा भी करना है तो उसके लिए हमें कितना पैसा चाहिए वो भी देखना पड़ेगा। उसके लिए चाहिए हमें $750 और गाइस हमारा लोन भी यहाँ पर आ चुका है लोन भरने का, तो फटाफट से लोन भी यहाँ पर भर देते हैं। एक सेकंड, कस्टमर आ चुका है, सबसे पहला कस्टमर आज शाम का, तो फटाफट से इनको सारा सामान देते हैं और चेंज दे लेंगे। इनकी 2 पानी की बॉटल्स ले लेंगे और इनको भी इनका चेंज दे देते हैं। थैंक यू अंकल। ये क्या सिर्फ एक चीज? चलो कोई बात नहीं, अब यही चाहिए होगा। और शाम हो गई है तो यार बहुत ही छोटे छोटे कस्टमर यहाँ पर आने वाले हैं। ऐसे ही होता है, शाम में छोटे छोटे कस्टमर आते हैं, तो फटाफट से इनको इनका सारा सामान दे देते हैं। डन। और गाइस अगर आपको नहीं पता मैं सुपरमार्केट में क्यों काम कर रहा हूँ, तो गाइस शिनचैन और मैं लॉस सैंटोस छोड़ के आ गए थे, क्योंकि मैंने लॉस सैंटोस में बहुत ही ज्यादा लोगों से पैसा ले लिया था लोन पर और मैं फिर उनको नहीं दे पाया। तो अगर हमें वापस से लॉस सैंटोस जा रहे हैं तो हमें चाहिए $1,000,000, तो वही कमाने के लिए हमने ये सुपर मार्केट खोला है। हाँ, तो मैं बोल रहा था हमें अपना लोन भी देना है, तो फटाफट से यहाँ पर दे देते हैं, जितना पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे। अभी हमारे पास सिर्फ $16 और बचे हैं। कोई बात नहीं, अभी कस्टमर्स आएंगे तो अपने आप हो जाएगा यहाँ पर। अभी मैं इसका प्राइस थोड़ा कम करने वाला हूँ, सभी को ये बहुत ही ज्यादा महंगा लग रहा है ये पास्ता हमारा, तो फटाफट से इनका सामान देते। ओ, इन्होंने तो बहुत ही सारा सामान यहाँ पर ले लिया, 5, 10, 20, थैंक यू। और अंकल ने सिर्फ एक ही चीज ली, गरीब लगता है कोई। अरे अंकल गरीब हो क्या, और भी चीजें लो ना, इतना बड़ा सुपर मार्केट खोला है और एक डब्बा लेकर जा रहे हो। अबे चिंचन चुप हो जा। तो गाइस सर, ये कस्टमर हमारा जा चुका है और ये लगता है आज का लास्ट कस्टमर होने वाला है। आज यार हमारी आज हमारा सुपरमार्केट बहुत ही ज्यादा लेट खुला था और 9 ऑलरेडी बज गई है, तो 9 बजे के बाद बहुत ही ज्यादा कम कस्टमर्स आते हैं। तो देखते जब तक आ रहे तब तक ले लेते हैं, उसके बाद अपने सुपर मार्केट को बंद कर देंगे। 2766, थैंक यू। अरे भैया, आज आपने सुपर मार्केट इतना लेट क्यों खोला? अरे आज वो हम सो रहे थे ना इसलिए। अरे दीदी अब चलती हो के 9 से 12, अब तो टाइम भी हो गए, हम दोनों पिक्चर देखने जा पाएंगे। अबे शिनचैन उसको छोड़, अभी गाइस हमने सुपर मार्केट को क्लोज कर दिया और आज का दिन हम इधर ही खत्म करने वाले, ज्यादा सामान भी बिका नहीं है, पर कल सुबह ढंग से बहुत सारा सामान बिकेंगे। 3, 2, 1 और ये हो गया हमारा फिनिश। तो आज का हमारा टोटल बैलेंस है $129 और स्टोर पॉइंट हमें 82 मिले। हमको कैसे भी करके स्टोर लेवल 10 पर जाना है और हमारा अगला दिन यहाँ पर शुरू हो चुका है। और गाइस आज यार सबसे पहले हम लोन भरेंगे, सबसे पहले चीज ही वही करनी चाहिए और देखते किसका प्राइस कम ज्यादा हुआ है। सबसे पहले पास्ता और चीज का प्राइस यहाँ पर कम हो चुका है, तो देखते हम इसको करने वाले $3 का और चीज हमारी हो गई है $4 की। लेट्स गो। और एक और चीज का कुछ प्राइस कम ज्यादा बढ़ा था। ओके, कॉफी का प्राइस यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ चुका है, तो मेरे ख्याल से सही है, मैंने ज्यादा ही कर रखा है वैसे भी। चलो कोई बात, इसको $11 कर देते हैं। लेट्स गो डन। तो कॉफी का प्राइस अभी हमने चेंज कर दिया, स्टोर हमारा यहाँ पर खुल चुका है, अब बस कस्टमर्स का वेट करते हैं। अरे विक्की मैं अभी बुलाता हूँ, बल्ले बल्ले शावा शावा पियो पियो कावा, वो भी हमारे सुपर मार्केट में, बल्ले बल्ले ओ बुढ़ाऊ जल्दी जल्दी हमारे मार्केट में जाओ। अबे शिनचैन का ये शिनचैन के गाने हमेशा काम क्यों करते हैं? अब ये कस्टमर्स आ गए, चलो फटाफट से इनको चीज कर देते हैं। सुबह सुबह ज्यादातर यार कॉफी और चाय लेने ही आते हैं लोग और यहाँ पर दूध भी लेने आते हैं, फटाफट से इनको देते हैं इनका चेंज। $98 मेरे पास हो चुके हैं और कुछ चीज की हमारे पास कमी है तो वो मंगा दी जाए। मुझे लग नहीं रहा किसी चीज की कमी, पानी की बॉटल्स पड़ी है, दूध पड़ा, चीज पड़ी है, सब की सब चीजें पड़ी है। अभी फटाफट से इनको इनका सामान दे देते हैं और इनका चेंज भी। ये अंकल बहुत सारा सामान खरीदेंगे, मेरे को लग रहा था बहुत खरीदेंगे, इन्होंने तो ज्यादा सामान खरीदा ही नहीं। 50, 60, 70, 80, 90, थैंक यू। अरे विक्की मैं हमें उस वाले फ्रीजर को भी तो भरना है। अरे हाँ, उस वाली फ्रिज को भी हमें भरना है। ओ, इतना सारा सामान ले लिया, थैंक यू। अरे वाह,
सिर्फ $30 का सामान लिया, मुझे लगा बहुत सारा ले लिया, ये क्या सिर्फ पानी की बोतल, चलो इनको फटाफट से देते 1 2 3 4 डन। तो गाइस अभी अब इस फ्रीजर को भरने वाले हैं। सबसे पहले चाहिए, देखो इधर मैं रखूंगा एग, इधर पानी की बॉटल्स, नीचे मिल्क रख देंगे और एक और चीज रख देंगे। लेट्स गो, फटाफट से मंगा लेते हैं। हमें चाहिए चीज, पानी की बॉटल, अंडे और मिल्क। $70 का सामान और ये मंगा दिया। यहाँ पर कस्टमर आ गया, पहले इनको सारा सामान दे देंगे। अरे फेंकी में हमारी चौकोबी भी खत्म हो गई लगता है। अबे तेरी चौकोबी कोई खरीद ही नहीं रहा, सारी की सारी चौकोबी इधर ही पड़ी है। सारा का सारा मिल्क यहाँ पर रख देते हैं, फटाफट से डन। इसको डालेंगे डस्टबिन में। अगले डब्बे में हमारे पास है एग्स, तो यहाँ पर एग्स रखेंगे। ये सारी की सारी जगह है ना एग्स के लिए होने वाली है, तो इधर जितने बचे, और ये भी हो गया खाली। और इसमें है पानी की बॉटल्स, कस्टमर भी आ चुका है, पर पहले हम ये सारी की सारी बॉटल रख देते हैं, फिर कस्टमर देखेंगे। यहाँ पर रखते हैं इसको। हेलो सर, कैसे हो? इनको फटाफट से लिख देते हैं 3266, थैंक यू। वापस से पानी की बॉटल उठाएंगे और यहाँ पर जगह थोड़ी खाली है तो यहाँ पर रख दी। और ये आखिरी डब्बा बचा है जिसके अंदर है बहुत सारी चीज, जो नीचे वाले क्रेट में रख देंगे सारी की सारी। और ये हो गया खत्म, और हमारा कस्टमर भी यहाँ पर आ चुका है। सारी चीजें इनको देते हैं, कार्ड लेंगे 22, थैंक यू। और गाइज़र इन्होंने तो बहुत ही सारा सामान ले लिया, ये देखो $50 का सामान इन्होंने लिया है। ऐसे ही कस्टमर, मुझे बस 100 कस्टमर और चाहिए, तो हमारे पास तो पैसों की कमी होने नहीं वाली। फटाफट से कार्ड लेते हैं 2332, थैंक यू। $226 मेरे पास हो चुके हैं। रुक जाओ, इस कस्टमर को भी इनका दे देते, ज्यादा सामान लिया नहीं इन्होंने, और थैंक यू आने के लिए। अब और क्या मंगाया जाए? एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ तो खत्म हो गया। क्या है यहाँ पर, मैं क्या रखता था, मुझे तो खुद ही याद नहीं है। सबसे पहले चाहिए हमें पास्ता और आटा, और ये ग्रीन कलर की स्पेगेटी ये भी चाहिए। रुक चलो जल्दी जल्दी मंगाते हैं। ये हमारा पास्ता और ये हमारा आटा और स्पेगेटी भी चाहिए, राइस भी चाहिए। ओके, $84 का सामान। एक तो इतना सारा सामान मैं मंगा लेता, फिर मेरे पास पैसे ही नहीं बचते। इनको फटाफट से दे दें। इनको पास्ता नहीं मिला क्योंकि पास्ता अभी आ चुका है। अरे राइस तो मेरे पास पहले से इतनी सारी पड़ी है, मैंने और क्यों मंगा ली। कोई बात नहीं, इसको भी इधर रखते हैं। और हमने स्पेगेटी मंगाई है जो कि सारी की सारी यहाँ पर जाने वाली है। लेट्स गो डन, इसको डालते हैं डस्टबिन में। और कस्टमर को पहले उसको सारा सामान देते हैं। ये लो ये लो ये लो ये लो जल्दी। अरे फेंकी में अपने को सुपरमार्केट का नाम तो रखा ही नहीं। अरे हाँ गाइस, अभी तक हमने अपने सुपरमार्केट का नाम ही नहीं रखा। हमारे सुपरमार्केट का नाम है सुपरमार्केट, तो गाइस हम इसका नाम क्या रखें, फटाफट से कमेंट करके बता दो कोई अच्छा सा नाम जो कि हम रख पाए अपने सुपरमार्केट का। और यहाँ पर पास्ता भी हमारा आ चुका है, ये भी हमने रख दिया। लेट्स गो, उसको भी डालते हैं और इनको सारा का सारा सामान दे देते हैं। लगता है बहुत सारा सामान ले लिया, $59 का। इनको देंगे इनका चेंज, और इन्होंने भी बहुत सारा सामान लिया, इसलिए जितना ज्यादा सामान रखो उतना ज्यादा हमें पैसा मिलता है। तो ये भी डन, यहाँ पर इनको फटाफट से देंगे $19, थैंक यू। और इनको भी इनका सामान दे देंगे $26, थैंक यू। और इनको भी दे देते हैं। तो गाइस सर, अभी मेरे पास $353 हो गए। अभी फटाफट से सारा का सारा जमा देते हैं। ये हो गए हमारी राइस भी खत्म, और फटाफट से जाके अपन पहले लाइटें चालू कर देंगे। और गाइस सर, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मैं अपने लोन को थोड़ा जल्दी दे सकता हूँ। अगर मुझे अपना लोन जल्दी देना है तो मुझे $500 चाहिए, और अभी मेरे पास 353 है, तो मैं अपने लोन को जल्दी पे कर सकता हूँ। उसके बाद मैं एक और लोन लेके बहुत सारी चीजें खड़ी कर लूंगा। तो अभी आराम से फटाफट से $500 जमा करते हैं। और गाइस सर, हमारे पास यहाँ पर $500 बस होने वाला है, और स्टोर बंद करने का भी टाइम होने वाला है। सिर्फ 8:30 ऑलरेडी बज गई है, और मुझे लगता है इससे हमारे $500 आराम से हो जाएंगे। 35.50, थैंक यू। अभी इन फटाफट से लास्ट कस्टमर को करें, तो उसके बाद अपने स्टोर को बंद करेंगे और फिर अपना लोन आज हम कंप्लीट कर देंगे। इनका कार्ड लेते हैं $28। अरे ये आंटी कहां से आ गई, चलो फटाफट से स्टोर को कर देते हैं क्लोज। ये आखिरी कस्टमर है। इनको ये आटा महंगा लग रहा है, रुक जाओ, सही में महंगा भी है, तो इसको फटाफट से सस्ता कर देते हैं। अभी अपने डे को बस फिनिश करने वाले हैं, बस ये लास्ट कस्टमर हो जाए, फिर हम अपने डे को फिनिश कर देंगे। और हमारे पास यहाँ पर भी कुछ खाली हो चुका है। एक तो मुझे पता ही रहता है क्या खाली, यहाँ पर मैंने रखा क्या था, और यहाँ पे थोड़ा ऑयल तो चलना पड़ा है। चलो ये सब तो सुबह देखेंगे। अब ये आखिरी कस्टमर को कर देते हैं फ्री $40.66, थैंक यू। और गाइस सर, आज का दिन होता है खत्म, और अभी अपने लोन को अभी के अभी कंप्लीट करने वाले, 3 2 1। और गाइस सर, आप देख सकते हो हमारा सारा का सारा लोन जा चुका है। अब हमें रोज लोन देने की जरूरत नहीं है, वो अलग बात है, मैं कल वापस से लोन लेने वाला हूँ, क्योंकि हमें अपने स्टोर को बड़ा करना है। या तो एक काम करते हैं, अपनी लेवल 10 तक पहुंचते हैं, उसके बाद हम लोन लेंगे। चलो कल सुबह देखेंगे फटाफट से, आज के डे को करते हैं फेस। टोटल 26 कस्टमर आए थे, उसमें से 24 को हमने बिल्कुल सामान दे दिया, और $115 हमारा बैलेंस बचा है। तो गाइस सर, आपका स्वागत है हमारे अगले दिन में। और गाइस सर, सबसे पहले
पहले हम जाके देखें किस किस चीज महंगी और सस्ती हुई है। सबसे पहले चाय मुझे पता चला है कि थोड़ी महंगी हो चुकी है, तो इसको हम थोड़ा कर देंगे महंगा 6.20 का हम इसको करने वाले। और भी दो तीन चीजें हुई थी उसको भी देखना पड़ेगा। तो हमारी शुगर की प्राइस बढ़ चुकी है और बॉटल की कम हो चुकी है। फटाफट से देखते हैं, शुगर की हो चुकी है यहाँ पर $60 कर देंगे और पानी की बॉटल की प्राइस कम हो चुकी है, तो इसको हम करने वाले हैं 2.13, सेम टू सेम मार्केट वालों की तरह। तो गाइस सर, अभी हमारा अगला डे स्टार्ट हो चुका और सामान धीरे धीरे कम होने लग गया है, तो मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा। पर ऑर्डर करना क्या है मुझे पता नहीं, क्योंकि क्या कम है क्या नहीं मुझे देखना पड़ेगा, समझ ही नहीं आता। लगता है थोड़ी देर अपने स्टोर को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच में कस्टमर आते रहेंगे ना तो मैं परेशान हो जाऊंगा। तो फटाफट इतना सारा सामान जल्दी से इनसे लेते हैं। कैश 1 2 3 4 5 6 7 और ये 10, थैंक यू। और ये चश्मे वाले अंकल को भी इनका सामान दे देते हैं 22 40, थैंक यू। अब फटाफट से जाके मैं अपने स्टोर को कर दूंगा क्लोज। और ये सॉल्ट बंटी बोल रही थोड़ा महंगा है, तो कोई बात नहीं, इनके लिए थोड़ा सस्ता कर देंगे ताकि सब लोग खरीद पाए। ये हमारा लास्ट कस्टमर है, उसके बाद हम सारा का सारा रीस्टॉक करेंगे। मुझे हमेशा सुबह करना चाहिए रीस्टॉक, मैं हर बार पता नहीं क्यों बीच में दिन में करता हूँ, फिर मेरा टाइम भी एक्स्ट्रा चला जाता है। कोई बात नहीं, अगली बार से स्टोर खुलने से पहले सबका सब रीस्टॉक कर देंगे। पर अभी तो इनको फटाफट से सारा सामान दे देते हैं 50 10 70 1 2 3 4 डन। तो गाइस सर, अभी फटाफट से सारा का सारा सामान मंगाते हैं, मेरे पास $243 से। तो सबसे पहले सॉल्ट हमारे पास बहुत सारा है, ब्रेड भी हमारे पड़ी है, राइस भी हमारे पास पड़ी है, चाय कॉफी चोको भी लगभग सारी चीजें पड़ी है, पर देखते हैं फिर भी क्या कहनी है। सबसे पहले हम मंगाने वाले आटा, उसके बाद हम मंगाएंगे पास्ता भी। एनीवे की भी हमारे पास चीज भी खत्म हो गई है। ओके, तो फिर चीज भी मंगा देते हैं। और अंडे हमारे पास पड़े, मिल्क हमारे पास पड़ा है, चाय हमारे पास पड़ी है, पीनट बटर खत्म हो चुका है, एनीवे की भी पास्ता भी खत्म हो गया। ओके, तो फिर पास्ता भी मंगा देते हैं। और गाइस यहां पर सबका सब मैंने ऑर्डर कर दिया है, इनको करते हैं फटाफट से परचेज और स्टोर को खोल देते हैं ताकि कस्टमर्स अपने आते रहे। और स्टोर खुलते ही कस्टमर आ गया, तो यहाँ पर सारा का सारा स्पेगेटी रखेंगे, एक हमेशा इधर बच जाता है। अब फटाफट से पीनट बटर लेके पूरा का पूरा फुल कर देते हैं, सारा का सारा पीनट बटर हमारा खाली हो चुका है। और अभी यहाँ पर कस्टमर आ चुका है, पहले इनको फटाफट से सामान दे देते हैं $1, थैंक यू। 1 2 3 4 50 60 70 80, थैंक यू। फटाफट से और भी डब्बे उठाते हैं और इन चीज को यहाँ पर रख देते हैं, सारी की सारी चीज में यहाँ पर रख दूंगा। और ये हो गई हमारी चीज डन। चीज और वैसे बची थी, पर कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारा पास्ता भी आ चुका है, सारा का सारा पास्ता रख देते हैं। पास्ता पूरा खत्म ही हो गया था हमारे पास। और यहाँ पर अभी कस्टमर भी आ चुका है बहुत सारा सामान लेके, जल्दी से इनका लेते हैं 46 13, थैंक यू। इनको यहाँ पर आटा नहीं मिला, कौन सा आटा यार, आटा मंगाया तो था। ओ ये रहा, यहाँ पर अभी भी आटा आया है हमारे पास, इनको फटाफट से रख देते हैं। और हमारे पास अभी शुगर भी खत्म हो चुकी है, तो शुगर भी ऑर्डर करनी पड़ेगी। अभी तो इतनी सारी पड़ी थी, एकदम से खत्म कैसे हो गई। इसी के लिए हमें यार अपने लिए स्टोरेज भी खरीदना चाहिए, ताकि सारा का सारा सामान हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हो, बस वहां से उठाओ और यहाँ पर लाके रख दो। और यहाँ पर वाह, एक सॉल्ट लिया है अंकल ने, 6 7 50 60 70 80, थैंक यू। और इन्होंने लिया है बहुत सारा सामान, ये कोट सूट वाला आता है ना व्हाइट वाला, ये बहुत ही ज्यादा चीजें लेता है $63 का। तो फटाफट से इनको यहां पर दे देते हैं। और इन्होंने भी बहुत सारा सामान लिया है। ओ गाइस, स्टोर तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। रुक जाओ, अभी और कोई काम नहीं करते हैं, बस स्टोर पे ध्यान देते हैं, सारे कस्टमर पर ध्यान देते हैं। जल्दी इनका लेंगे 25 76, थैंक यू। इनको यहां पर ऑलिव ऑयल नहीं मिला, लगता है ऑलिव ऑयल भी खत्म हो चुका है, वो भी मंगाना पड़ेगा। कैश लेते हैं 55 50 60 70 80, डन। और इनका भी डन कर दिया, फटाफट बट से ऑलिव ऑयल भी ऑर्डर कर देते हैं, यहाँ पर जाएंगे। अभी मैं सिर्फ एक एक ही करता हूँ, फिर यार मैं रखूंगा कहाँ पे, मेरे पास ज्यादा शेल्फ वेल्फ भी नहीं, तो मुझे या तो ज्यादा शेल्फ चाहिए होगी या फिर मुझे स्टोरेज चाहिए होगी। अभी फटाफट से सारी की सारी शुगर यहाँ पर रख देते हैं और हमारी शेल्फ फिर से खाली होती जा रही है धीरे धीरे। जल्दी यहाँ पर कस्टमर आ गया, सारा का सारा सामान लेंगे और इनको इनका चेंज भी देते हैं। इनको क्या नहीं मिला, ऑलिव ऑयल अब आ चुका है, बस टेंशन मत, 2 मिनट में रख दूंगा। यहाँ पर इनको सारा सामान 60 70 80, ओ मैंने ज्यादा दे दिया। इनको यहाँ पर सीरियल नहीं मिला, लगता है चोको भी खत्म हो चुकी है। एनीवे की मैं अपने चोको भी कैसे खत्म कर दी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अबे शिनचैन, इतने सारे कस्टमर आ रहे हैं, मैं क्या करूं यार, इतनी जल्दी जल्दी कस्टमर आ रहे हैं। और गाइस हमारा स्टोर लेवल 9 पे पर भी पहुंच चुका है, फटाफट से चोको भी कर देते हैं यहाँ पर ऑर्डर। और ये कस्टमर तो रुक ही नहीं रहे यार, कितनी जल्दी जल्दी आए जा रहे हैं। रुक जाओ, सबसे पहले लाइट चालू कर देते हैं और फिर सारा सारा सामान इनको दे देंगे, इनका कैश लेंगे और फटाफट से पहले सारा रिस्टॉक करते हैं जो भी यहाँ पर अभी आया है। ऑलिव ऑयल, अरे ये क्या ऑर्डर कर दिया मैंने,
नहीं, मेरे को ऑलिव ऑयल करना था, मैंने नॉर्मल ऑयल कर दिया। रुक जाओ, ऑलिव ऑयल फिर से करना पड़ेगा। उससे पहले सारी की सारी चौको भी यहाँ पर रख दी जाए, डस्टबिन में डालेंगे डब्बा। और यहाँ पर चलते फटाफट से दो चीज लेनी अंकल को, कोई बात नहीं, जिनको जो लेना है वो देंगे $2, थैंक यू। इनको भी सारा का सारा सामान देते हो, फिर से ऑलिव ऑयल ऑर्डर करेंगे क्योंकि मैंने पहले पता ही नहीं क्या ऑर्डर कर दिया, नॉर्मल ऑयल ऑर्डर नहीं करना था। फटाफट से वापस से जाएंगे, ऑलिव ऑयल कहाँ है, ये रहा, ये वाला ऑलिव ऑयल है और ये बहुत ही ज्यादा महंगा भी है। ये अंकल 200, अब रात हो चुकी ना तो अब यार सस्ते सस्ते कस्टमर आने वाले, दिन में बहुत ही ज्यादा महंगे रहते। अंकल आप थोड़ी देर वेट करो, मुझे ऑलिव ऑयल रखने दो। यहाँ पर सारा का सारा ऑलिव ऑयल रख देंगे और मैंने आधा ऊपर नीचे क्यों कर दिया मुझे नहीं पता। फटाफट से इन कस्टमर को भी सारा का सारा सामान दे देते, कैश लेंगे $10, 1, 2, 50, 60, 70, 80, 5, 6, 7, डन। और कैसे हमारी कार्ड शेयर और गाइस हमारी शेल फिर से सारी की सारी खाली हो चुकी है। पर कल यार मैं सबका सब सुबह ही करूंगा मेरे स्टोर खुलने से पहले, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। तो फटाफट से ये भी सारी चीजें लेंगे, कार्ड लेंगे 35.50, डन। और गाइस अभी मैंने देखा कि मेरे पास $620 भी यहाँ पर हो चुके हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा है। और स्टोर बंद करते करते मुझे लगता है $700 आज हमारे पास हो जाएंगे, तो अपने स्टोर को बड़ा भी कर सकते हैं, देखेंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे। और लोन भी मैं ले सकता हूँ, 5, 6, 7, 8, 50, 60, थैंक यू, डन। और ये सारा का सारा सामान इनका भी ले लेते हैं, क्योंकि मुझे अपना सारा सामान रिस्टॉक करना है, इसलिए मुझे थोड़ा पैसा उसके लिए भी चाहिए होगा। तो सबसे पहले अभी जाएंगे अपने स्टोर को यहाँ पर करेंगे बंद और करेंगे आज के डे को फिनिश। तो टोटल आज हमने कमाए $714, जो की बहुत ही ज्यादा है। तो गाइस कॉफी, पास्ता और फ्लोर की प्राइस यहाँ पर बढ़ चुकी है, तो कॉफी तो हमारे पास खत्म ही हो चुकी है, पास्ता भी खत्म हो चुके हैं और फ्लोर भी खत्म हो चुका है, सबका सभी खत्म हो गया। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपना आज का लोन लेंगे, उससे पहले ये बिल भी पे कर देते हैं। और अभी ये बाकी है थोड़े से, तो एक काम करते हैं इनको भी पे ही कर देते हैं, बिल बचाने नहीं चाहिए। और हम यहाँ पर लेने वाले हैं लोन, रोज हमें यहाँ पर देने पड़ेंगे $54। तो ये लोन हमने ले लिया और हमारे पास हो चुके हैं $1300। और गाइस सबसे पहले जाके अपने लिए बड़ा करेंगे अपने इस, हम अपने स्टोर को बड़ा करने वाले हैं $750 से। और हम एक कैशियर भी हायर कर सकते हैं 10 लेवल पर, और अपने लिए और क्या कर सकते हैं, हम लाइसेंस भी ले सकते हैं और भी सामान के लिए, पर अभी अपने स्टोर को बड़ा करना है। तो स्टोर को कर दिया हमने बड़ा और आप देख सकते हो ये स्टोर हमारा यहाँ पे हो चुका है मस्त बड़ा। तो अब हम इन शेल्व्स को यहाँ पर उठाएंगे और इनको हम ऐसे रखने वाले बिल्कुल सुपर मार्केट की तरह। तो यहाँ पर एक शेल्व रखेंगे और फिर से ये वाली शेल्व उठा के इसको रखेंगे यहाँ पर, जैसे सुपर मार्केट में होती है वैसे रखने वाले। अभी ज्यादा शेल्व्स है नहीं तो थोड़ी जगह कम ले लेंगे, इधर इसको यहाँ पर रख देते हैं बीच में ताकि कस्टमर्स आते जाते रहे, और इसको यहाँ पर रख देंगे। मेरे पास अभी सिर्फ 3 ही शेल्व्स हैं और मैं सोच रहा हूँ ये वाला एरिया पूरा का पूरा फ्रिज, मतलब सारे के सारे फ्रिज वाली चीजें इधर ही रखने वाले। तो अभी तो ये अच्छी नहीं लग रही, जब ज्यादा शेल्स आ जाएगी तब मैं इसको चेंज कर दूंगा। तो अभी तो हम इसको यहाँ पे रखते हैं, इसको पहले सही करेंगे। तो गाइस सर अभी तो मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, अभी हमारा पूरा स्टोर यहाँ पर खाली कर दिया मैंने, लग रहा है ऐसा, पर सारा सामान यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। और गाइस सर बहुत सारी चीजें ऑर्डर करनी है, सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ एक शेल्फ लेने की, ताकि हम और भी सामान यहाँ पर रख पाए। शेल्फ कितने की आती है, $200 की, कोई बात नहीं ले लेंगे $200 की। हमने यहाँ पर शेल्फ ले ली और ये यहाँ पर आ भी चुकी है, फटाफट से इसको यहाँ पर लगा देते हैं। एक सेकंड, ये यहाँ पर उबड़ खाबड़ क्यों है, रुक जाओ, इसको थोड़ा ढंग से लगाना पड़ेगा। चलो अभी तो यहाँ पर ऐसे इसको लगा देते हैं, इन दोनों को मैच कर देते हैं, थोड़ी पीछे जगह खाली रहेगी पर कोई बात नहीं, दिखने में अच्छा लगना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी दोनों शेल्व्स लग चुकी है, मतलब चारों शेल्व्स बिल्कुल सेटल हो चुकी है, और यहाँ पर दो फ्रीजर भी है, और $365 हमारे पास बचे। तो अब मुझे बहुत सारा सामान मंगाना है, लगभग सबका सब मंगाना है सिवाय इन फ्रीजर वाली चीजों को छोड़ के। तो फटाफट से शुरू करते हैं, सबसे पहले सीरियल चाहिए, एक स्लाइस ब्रेड, ये भी मंगा लेंगे, ये भी सारी की सारी चीजें मंगाने वाला हूं मैं। रुक जाओ, पानी की बोतल नहीं चाहिए थी, पानी की बोतल हटा देते हैं। और एक बार में हम सिर्फ 10 ही चीज मंगवा सकते हैं, तो देख के मंगानी पड़ेगी। कॉफी और चाय हमने मंगा दी, और पीनट बटर, लेट्स गो, इनको ऑर्डर करते हैं। सारी चीजों को सिर्फ $85 बचे, देखते हैं हमारे पास सारी चीजें आ पाएगी कि नहीं। सारी चीजें तो नहीं आने वाली, एक चीज देखें जो हमारे पास ज्यादा पड़ी हो वो नहीं मंगाएंगे, जैसे कि राइस हमारे पास पड़ी है। अभी सॉल्ट और इनमें से मैं कोई एक चीज मंगा सकता हूं, तो
यहाँ पर हम सॉल्ट मंगा देते हैं। लेट्स गो, हमारे सारे के सारे पैसे मैंने खत्म कर दिए, $8 मेरे पास सिर्फ बचे हैं। अब फटाफट से सारा का सारा सामान रिस्टॉक करते हैं। यहाँ पर सारा का सारा हम रखेंगे और हमने डाल दिया डस्टबिन में, और सारा का सारा दूसरा वाला आटा भी यहाँ पर रख देते हैं। अलग अलग तरह के आटे हमारे पास, ऑलिव ऑयल लेके सारा यहाँ पर रख देंगे, डन, और नीचे भी रख देते हैं। अब मुझे सबकी अलग अलग शेल बना लेनी चाहिए, जैसे चौकोबी के पूरे में सिर्फ चौकोबी होगी, वो भी करेंगे, पर हमारे पास उसके लिए बहुत सारा पैसा और बहुत सारी शेल्स भी चाहिए। तो अभी जितना हो सकता है, जैसे ये देखो यहाँ पर सिर्फ ऑयली ऑयल दिखाई दे रहा है और कुछ भी नहीं है। अब इसको यहाँ पर रख देते हैं, अब इन सब चीजों को हम सेट कर देंगे। यहाँ पर ब्रेड हमारे पास आ चुकी है, ब्रेड को हम रखने वाले हैं यहाँ पर। लेट्स गो, सारी ब्रेड हमने यहाँ पर रख दी, और इसमें हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे सॉल्ट आने वाले, तो उसको रख देते हैं यहाँ पर, और जितना बचा है वो यहाँ पर रख देंगे। और इसमें देखते हैं क्या है हमारे पास, पास्ता यहाँ पर आ चुका है, सारा पास्ता इधर रख देंगे। पास्ता बहुत ही ज्यादा बिकता है, तो मैं सोच रहा हूँ बहुत सारा पास्ता भी ऑर्डर कर लूं, पर अभी नहीं, शेल्स ही उसके लिए मैं। और यहाँ पे हमारी शुगर भी आ चुकी है, हमारे पास शुगर तो नहीं है ना, अरे ये क्या, एक ऊपर रख दिया पूरी शेल्फ खराब हो जाएगी। कोई बात नहीं, अभी हमारे पास बहुत ही जगह। एक सेकंड, मैंने पानी की बोतल क्यों मंगाई, मैंने तो बोला था पानी बोतल बहुत सारी पड़ी है। कोई बात नहीं, जितनी बची है वो भी रख देते हैं। ये भी हमने रख दी, और ये सारा का सारा सामान हमारा रोड पर जा रहा है। और यहाँ पर हमारी कॉफी भी आ चुकी है, कॉफी पूरी की पूरी खत्म हो चुकी थी, वो भी आ चुकी है। और यहाँ पर सिर्फ दो डब्बे बचे हैं, एक में पीनट बटर जो की जाने वाला है यहाँ पर। और पीनट बटर कहाँ पर रखा जाए, यहाँ पर भी रख देते हैं। लेट्स गो, पीनट बटर यहाँ पर भी रख दिया। उसके बाद चाय लेकर, सारी चाय भी हम यहाँ पर रखने वाले हैं। जाओ 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 जाओ, और ये भी डन। तो गाइस सारा सामान हमने रख दिया। अब ये जो दो सॉल्ट के छोटे छोटे बचे, इनको भी रख देते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास शेल्स अभी भी थोड़ी बहुत खाली है। और अब ये ऑयल उठा के भी यहाँ पर रख दिया जाए। लेट्स गो, सारा का सारा सामान हमने डाल दिया, बहुत ही ज्यादा भरा भरा लग रहा है। अब फटाफट से स्टोर को करते हैं ओपन। और गाइस आज का हमारा गोल है लेवल 10 पर जाने का। 9 की आधी पर हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, बस 10 पर जाना है। और अभी मेरे पास एक रुपया भी नहीं बचा, तो मैं ना लोन ले सकता हूँ ना कुछ मंगा सकता हूँ, बस कस्टमर का वेट करना पड़ेगा। और आज का हमारा सबसे पहला कस्टमर आ चुका है। तो गाइस जल्दी जल्दी बहुत सारा पैसा कमाते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस उसके बाद मैंने बहुत सारे कस्टमर्स को सामान दिया, बहुत सारा पैसा कमाया, बहुत सारा सामान भी मंगाया, और फिर मैंने एक नई शेल्फ भी ले ली। और हमारा स्टोर धीरे धीरे प्रोग्रेस करता जा रहा है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। तो गाइस अगर आपके पास कोई सजेशन हो हमारे स्टोर के लिए, तो फटाफट से कमेंट करके बता देना। तो गाइस अभी इन कस्टमर का ऑर्डर लेके अभी अपने लिए एक और लाइसेंस लेने वाले, जिससे हम और भी नया नया सामान बेच पाएंगे, ताकि अपनी शेल्फ्स को और भी ज्यादा भर पाए, ताकि और भी सामान बेच पाए। तो फटाफट से इनका कार्ड लेते हैं, 36 13, फटाफट से इनका डन। लेट्स गो, फटाफट से अभी हम लेने वाले हैं ये वाला लाइसेंस, जिसमें मैं ऑरेंज जूस, सोडा, सो एप्पल जूस, मिल्क और सोडा, ये क्या सारी की सारी फ्रिज का आइटम है, इसका मतलब मुझे फ्रिज भी चाहिए होगा। और यहाँ पर एक और लाइसेंस, जिसमें केक रख सकते हैं, कैंडी, सीरियल, चॉकलेट बार, उसके लिए भी हमें फ्रीजर चाहिए होगा। तो दोनों चीजों के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही, ये तो चीटिंग है यार, मैंने सोचा अपनी शेल्स भरूंगा, पर ये तो कुछ और ही करवा रहे। पर मेरा यहाँ पर फ्रीजर भी खाली तो हो ही रहा है, एक काम करते हैं सोडा वाला ले लेते हैं अभी, फिर वो केक वाला कभी बाद में लेंगे। अभी फटाफट से इन सबको इनका सामान दे देते हैं, अभी लाइट चालू कर देते हैं। और हमारा लगता है सामान भी यहाँ पर खत्म हो रहा है, ताकि यार क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, तो फटाफट से ले लेते हैं ये वाला लाइसेंस। और हमारे पास बहुत तरह तरह की चीजें आ चुकी है, जैसे कि ऑरेंज जूस और अलग अलग तरह की कोल्ड ड्रिंक, जिनको हम सभी को अभी की अभी मंगाने वाले हैं। लेट्स गो, ऑर्डर डन। और फटाफट से इनको सामान दे देते हैं, फटाफट से इसको भी सामान देते हैं, उसके बाद हम सारा सामान अपना फ्रिजों में डालेंगे। यहाँ पर चलते हैं, और ये क्या, कितने सारे डब्बे आ गए। एक सेकंड, ये तो बहुत ही ज्यादा है। ओ, ये शेल्फ में रखने की है, ये तो सही है यार, ये तो चीजें शेल्फ में रखने की, ये तो पक्का उसमें रखने हो गया। मुझे लगा कोल्ड ड्रिंक भी शेल्फ में रखेंगे, गरम गरम कोल्ड ड्रिंक कौन पिएगा। फटाफट से रख देते हैं कस्टमर, अभी हमारा यहाँ पे कांग रहा है, जल्दी जल्दी इनको करते हैं। 1 2 3, थैंक यू, 5 6 7 50 60 70 80, डन। और गाइस अभी इसके में प्राइस भी सेट करनी पड़ेगी, तो ये प्राइस सेव करने वाले हैं $12। लेट्स गो। और ये आंटी तो खरीदने भी लग गई, अभी अभी मैंने रखा था और इन्होंने अपने बैग में भी डाल दिया, 33.70, डन। और इस भी चीज का भी प्राइस सेट कर देते हैं, जो कि एक कोल्ड ड्रिंक का करेंगे हम 2.20, बिल्कुल सही प्राइस हमने यहाँ पर कर दिया। लेट्स गो, अब और भी ज्यादा हमारी चीजें बिकने वाली है, मेरे पास सारी तरह की कोल्ड ड्रिंक्स भी आ चुकी है। इनको सोडा नहीं मिली, अरे भाई सोडा आएगी अभी अभी, तो मंगवाइए, मैंने रुको सही, अरे बेकी मैं रुको, मुझे करने दो। हेलो दीदी, कैसे हो, मेरा नाम है शिनचैन नोरा, जल्दी जल्दी पैसा दो। ओ चश्मिश, जल्दी पैसा दो। अरे भाई ये तो बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक ले ले अंकल, इसमें से एक मैं भी पी लूं क्या। अरे
अरे इसके तो पैसे मैंने दिए ना। अरे अंकल ये तो मजाक कर रहा है, आपका ये सब ले लो, जाए चले जाए। तो गाइस इनको फटाफट से इनकी सारी की सारी चीजें दे, इनको ऑरेंज जूस नहीं मिला। अरे भाई बाहर पड़ा है, सबका सब दूंगा, टेंशन मत लो। फटाफट से इनको भी दे दिया, इनको यहाँ पर चीज नहीं मिली, लगता है चीज भी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। ये पता नहीं कौन सा कलर, यहाँ पर एप्पल जूस भी आ चुका है, सारा का सारा एप्पल जूस भी रख देते हैं, नीचे रख दिया गलती से, लेट्स गो और देखते हैं इसमें क्या है। और कोल्ड ड्रिंक तो यहाँ पर भी रख देंगे, कोला हमारे पास आ चुकी है, इसको इधर रख देते हैं, बाकी इधर रख देंगे। अब मुझे फ्रीजर चाहिए, पहले मुझे फ्रीजर की जरूरत नहीं थी पर अब मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और यहाँ पर एक और स्प्राइट यहाँ पर आ चुकी है, इसको भी फटाफट से रख देंगे और ये डन। और एक और डब्बा बचा है, अबे कितनी चीजें मंगा ली थी मैंने। और एक और एप्पल जूस है क्या, ये ऑरेंज जूस है, लेट्स गो। हमने ऑरेंज जूस भी रख दिया, ये भी यहाँ पर रख देते हैं। और हमारा सारा का सारा सामान और फ्रीजर सब का सब भर चुका है, अब बस इनकी प्राइस लगाते हैं फिर आज के दिन को खत्म करेंगे। इसको हम बेचने वाले हैं 2 पॉइंट, और हम एप्पल जूस को बेचेंगे $3 का और ऑरेंज जूस को हम बेचेंगे $3 का। तो सब पे लगता है मैंने प्राइस यहाँ पर लगा दी है और यहाँ पर सामान फिर से खाली हो गया, पर हम ये सब कल रिस्टॉक करेंगे। तो आज हमने टोटल $440 कराए, तो आज हमने टोटल $440 कमाए और 28 कस्टमर्स को उनका सामान दिया। ऑलिव ऑयल का प्राइस हो चुका है कम और ब्रेड का भी, तो यहाँ पर इनको कम कर देते 5.70 और ब्रेड कहाँ पर है, ब्रेड को हम कर देते हैं 4.70, लेट्स गो। तो गाइस सर अभी बस हम इसको रीस्टॉक करेंगे, फिर बाकी का अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा फटाफट से कमेंट करके बता दो, पर अभी जाओ मत, रुक जाओ अभी बाकी सामान। अब मैं अपनी सारी की सारी शेल्व्स को भरने वाला हूँ, कुछ भी नहीं बचने वाला। सबसे पहले यहाँ पर हम मंगाएंगे 2 मिल्क के पैकेट, फिर यहाँ पर सीरियल, ब्रेड, फ्लोर, ऑयल, पास्ता, शुगर पाउडर, कॉफी, चाय, ऑलिव ऑयल बहुत सारा पड़ा है तो ये नहीं मंगाएंगे, ये भी मंगा लेते हैं। ओके 10 चीज हो चुकी है। चाय के बाद हमारे पास है पीनट बटर, आटा, पास्ता और ये भी मंगा लेते हैं, लेट्स गो। $136, ये हो गई परचेज डन, बहुत सारा सामान हमने मंगा लिया। इसको फटाफट से सब जगह रख देते हैं। सबसे पहले स्पेगेटी यहाँ पर रखेंगे, इसको उठाएंगे, अब आटा भी यहाँ पर रख देते हैं। हमारे पास ₹1 भी नहीं बचा, तो अगर इससे भी सामान नहीं भरा तो सब इसको कल ही भरेंगे। तो फटाफट से यहाँ पर मिल्क को भी रख देते हैं, ये मिल्क यार शेल्फ में रखने वाला है तो ये ज्यादा अच्छा है, इसको घर पे जाके अपने आप ठंडा करो, मैम को हम क्यों ठंडा करके दें। तो इस मिल्क को भी हमने यहाँ पर रख दिया, अब देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर हमारा आटा भी आ चुका है, इसको हमने यहाँ पर रख दिया। और ये क्या है, ब्रेड यहाँ पर रख देंगे सारी की सारी, इसको पूरा का पूरा ब्रेड का ही बना देंगे। और देखते हैं अगले बॉक्स में हमारे पास राइस आ चुकी है, तो सारी की सारी राइस रखेंगे हम इधर। पीनट बटर में कहाँ रखे इधर रखते हैं पीनट बटर, सारा का सारा पीनट बटर इधर रख देंगे, इस शेल्फ को पीनट बटर का कर देंगे। अभी सारा ऑलिव ऑयल उठा के इधर बीच में डाल देते हैं, इधर से भी उठा लेते हैं ताकि ये वाला पूरा है ना ऑलिव ऑयल का बन जाए, तो सारा ऑलिव ऑयल इधर ही रखेंगे, बाकी कहीं पे तो नहीं पड़ा ना, नहीं पड़ा। और यहाँ पे और भी बहुत सारा ऑयल आ चुका है, ये ऑलिव ऑयल नहीं है, ऑलिव ऑयल तो ग्रीन का होता है, मैं बार बार भूल जाता हूँ। इसमें क्या है, हमारे पास आ चुकी है चोकोबीज को रखेंगे इधर, सारी की सारी आ गई है, 2-3 बच गई, रुक जाओ इसको इधर रखेंगे, इसको अबे इसको उठा के नहीं पा रहा मैं। पास्ता भी सारा आ चुका है, उसको रख देते हैं पास्ता यहाँ पर और इसको क्या हम उठा सकते हैं, यहाँ पर रख देंगे। और हमारी पाउडर शुगर भी आ चुकी है, तो पाउडर शुगर रखेंगे यहाँ पर जितनी हमारे पास है, और हम यहाँ पर सारी की सारी पाउडर शुगर भी रख देंगे। और इसमें क्या आया है, हमारी चाय भी यहाँ पर आ चुकी है, लेट्स गो, सारी चाय यहाँ पर रख देंगे और आधी चाय यहाँ पर रख देंगे। और ये सब का सब फुल हो चुका है, 1 सेकंड, 2 सिर्फ बच गए, वो इधर रख देते हैं। और इसमें क्या है, इसमें लगता है हमारे कॉफी आई होगी, यस कॉफी आई है, यहाँ पर सारी की सारी कॉफी भी रख देंगे, 1 बच गई, 1 इधर रख देंगे, कोई बात नहीं। तो गाइस हमारा वापस से सारा का सारा सामान रीस्टॉक हो चुका है, वैसे मुझे पूरा भरना था पर सिर्फ $20 से तो मैं कर नहीं सकता, पर आज के लिए इतना बहुत है। हमारी कोल्ड ड्रिंक्स आ चुकी है, हमारी नई शेल्फ आ चुकी है और हमारा स्टोर कर रहा है बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस। तो गाइस सर आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अगर आपको आज वीडियो अच्छी तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं इसलिए वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और आज का $14 का बिल भरने के बाद हमारे पास सिर्फ $5 बचे, तो गाइस सर इंस्टा और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वापस जाके ज्वाइन और फॉलो करना। और गाइस सर हमारे सुपर मार्केट का नाम क्या रखे वो जरूर बता देना, अरे ट्रक का लेके जा रही है, मुझे बचाओ। तो गाइस सर हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।